अरे मेरे बांगड़ू भोले, इस टूथपेस्ट से तो पेस्ट निकल ही नहीं रहा है। गुरु, घर पर पड़ी आखिरी टूथपेस्ट भी खत्म हो गई। अब मैं ब्रश कैसे करूँगा? अरे भोले, दिल छोटा मत कर, तू 2 मिनट यहाँ रुक, मैं 5 मिनट में अलबत्ता के मकान से नई टूथपेस्ट लेकर आता हूँ। अरे ये ले बांगड़ू, ये है चमकू टूथपेस्ट। इससे ब्रश करते ही तेरे दांत मोती जैसे चमक जाएंगे रे। चल अब तू ब्रश कर, मैं जा रहा हूँ मेजर साहब का लॉन के कामों में बटाने हाथ। अब मेरे दांत मोती जैसे चमक रहे होंगे। अरे इतनी तेज चमक में मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। मैं अभी गुरु को जाकर बताता हूँ कि मेरे दांत हेडलाइट बन गए हैं। गुरु देखो, मेरे दांत क्या मस्त चमक रहे हैं। अरे बांगड़ू, इतनी तेज चमक वाली रोशनी दांतों में आई कहाँ से? गुरु ये सब अलबत्ता के चमकू टूथपेस्ट का कमाल है। अरे बांगड़ू भोले, अब अपना मुंह का शटर बंद ही रखना रे, वरना तेरे दांतों की चमक से हादसे हो सकते हैं। गुरु भोले का इलाज करवाने अलबत्ता के पास जा। उसके पास जाना शुरू कर। लेफ्ट राइट लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट लेफ्ट। तू अभी कुछ मत बोल रे बांगड़ू, वो देख सामने है अलबत्ता। अलबत्ता बांगड़ू, थोड़ा काम है रे। मामा मिया, अलबत्ता ने अपने हाथों में न्यू रेलवे ट्रैक्स बिछाने का इम्पोर्टेंट काम ले लिया, इसीलिए वो बहुत बिजी होती। अरे अलबत्ता मामा मिया, बस 5 ही मिनट की बात है रे बांगड़ू। मामा मिया, अभी 2 मिनट में यहाँ से एक ट्रेन क्रॉस करती, उससे पहले मुझे नए ट्रैक बिछाने हैं, बाजू में हट जाती। ठीक है बांगड़ू, तेरा काम खत्म होने तक हम लोग यही इंतजार करते हैं रे। हाँ? गुरु, इंतजार करना कितना बोरिंग काम है। मामा मिया, अलबत्ता की आंखों में तेज रोशनी चला गया, उसे कुछ दिखाई नहीं देती। अरे बांगड़ू संभाल। अरे बाप रे बाप, ये अलबत्ता तो मामा मिया करते करते सुरताल नगर के घरों की तरफ ट्रैक बिछाने निकल गया। अरे उस बांगड़ू को ट्रेन आने से पहले रोकना होगा। चल भोले चल। अरे रुक जा अलबत्ता। अरे बांगड़ू अलबत्ता मामा मिया, ये चमकती हुई तकलीफ भोले के दांतों से आ रही थी रे। इस चमकती हुई रोशनी का कारण चमकू टूथपेस्ट है रे। मामा मिया, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। और क्या, अब क्या करे दांतों की प्रॉब्लम का? मामा मिया, मैं भोले के दांतों की नहीं, रेलवे ट्रैक गलत लोकेशन में बिछ गया उसका बात करती। अभी ट्रेन इन घरों के बीच में से जाती। अरे बांगड़ू अलबत्ता, इस ट्रेन को स्टॉप का सिग्नल दिखा, शायद सिग्नल देखकर ड्राइवर ट्रेन को रोक देगा। ग्रीन सिग्नल, ठीक है अभी स्पीड बढ़ाता हूँ। मामा मिया, ये ट्रेन क्यों नहीं रोकती? क्योंकि ये स्टॉप साइन उल्टा है। थैंक्स रॉकस्टार भोले। रॉकस्टार और मैं। अरे अरे बांगड़ू, अब
तो ये इंजन पक्का स्टॉप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बांगड़ू भोले की दांतों की चमक स्टार्ट होते ही इंजन ड्राइवर को स्टॉप साइन दिखना स्टॉप हो गया है, तो वो इंजन कैसे करेगा स्टॉप? मम्मा मिया, भोले का प्रॉब्लम रियली सीरियस होती, अभी इसका कोई सॉल्यूशन ढूंढती। मम्मा मिया, अलबत्ता को भोले की प्रॉब्लम का हाफ सॉल्यूशन मिल गया। अरे बांगड़ू, हाफ से तेरा मतलब क्या है रे? इस एंटी चमकू टूथपेस्ट में सब इंग्रेडिएंट्स होती, बस सिर्फ कोयला यानी कोल नहीं होती। ये 100% भोले के दांतों को पहले जैसा करती। अरे तो फिर देर किस बात की? सुरताल नगर की किसी ना किसी दुकान में कोयला तो मिल ही जाएगा। मम्मा मिया, इस एंटी चमकू टूथपेस्ट के लिए फ्रेश कोल मांगती। ये कोल माइनिंग के वर्कर हमें माइन में ले जाती। तो चलो। हम लोग इस कोल माइन के अंदर नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस माइन की लाइट्स खराब है और बिना लाइट्स के इस अंधेरी गुफा में कोल को ढूंढना नामुमकिन है। अरे हमारे पास चलती फिरती चमचमाती लाइट्स है जो इस अंधेरी गुफा में हेडलाइट्स का काम करेगी। भोले जरा इधर तो आ रहे और थोड़ा स्माइल कर रहे भोले। संभाल कर, बिना मुझसे पूछे किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, क्योंकि यहाँ चारों ओर डायनामाइट लगे हैं। अगर एक भी गलत बटन दबा तो समझ लो तो सब कुछ ब्लास्ट से हो जाएगा तबाह। अरे बांगड़ू संभल कर रहना। मम्मा मिया, इतना कोल काफी हो गया। भोले लेती, इसका चूरा चूरा करके इस एंटी चमकू टूथपेस्ट में मिलाती। बांगड़ू ये ले, एंटी चमकू टूथपेस्ट तैयार हो गया। गुरु, यहाँ से बाहर निकलने से पहले इसे टेस्ट कर लेता हूँ। नहीं बांगड़ू, रुक जा। अरे धर तेरे की भोले, अब इस नॉन चमकू टूथपेस्ट के कारण तेरे दांतों की चमकार कम होगी रे। इतने अंधेरे में हमारा निकलना इम्पॉसिबल होली। अरे आग लग गई, अब डायनामाइट फटेगा। गुरु भोले, हमने तुम्हारी मदद की, अब तुम हमारी मदद करो, बचा लो हमें। अरे बांगड़ू, मुझे मुसीबत के वक्त याद आ गई एक जरूरी बात, क्योंकि कोयले से ही बनता है रे हीरा। उससे क्या होगा गुरु? अरे भोले बांगड़ू, हीरा भी तेरे दांतों की तरह तेज चमकता है रे, और हीरे की चमक से होगी इस गुफा में रोशनी, जो करेगी मदद हमें यहाँ से निकलने में। लेकिन गुरु, इस कोयले को हीरा बनाएगा कौन? कौन? अरे मेरा हीरा यानी तू। चल तैयार हो जा बांगड़ू। ये अरे तक धिन धितांग बाजे, गाए गुरु और भोले नाचे। चम चमक चमक चच चच चम 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 चमक चमक चम चम चमक चमक चच चच चम 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 चमक चमक चम। चमक जा ओ भोले चमक जा, समझा? चमक जा ओ भोले चमक जा, समझा? चमक जा ओ भोले चमक जा, समझा? चमक जा 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 भोले चमक जा। डायना 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 माइट का ब्लास्ट, अरे डायना 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 माइट का ब्लास्ट, अरे बाप। डायना 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 डायना
ब्लास्ट, अरे डायना 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 माइट का ब्लास्ट, डायमंड की माइन से तू हमको ले बचा। चमक जा ओ भोले चमक जा, समझा? चमक जा ओ भोले चमक जा, समझा? चमक जा ओ भोले चमक जा, समझा? चमक जा ओ भोले चमक जा, चमक जा चमक जा, चमक जा ओ भोले चमक जा, चमक जा रे भोले चमक जा, चमक जा रे भोले चमक जा, चमक जा रे भोले चमक जा, चमक जा चमक जा। मम्मी, गुरु भोले ने हमें बचा लिया और भोले का दांत भी ठीक हो गया। हीरा है मेरा भोले बांगड़ू। अरे ये क्या है रे? अरे वाह गुरु, आपके हाथों में तो नागमणि है। अरे बांगड़ू, नागमणि नहीं है रे, साधारण पौधे का बीज है जो सूर्य की किरण पड़ने के कारण रहा है चमक। चल बांगड़ू, खोदना शुरू कर, ये बीज बो देते हैं हम। गुरु लेकिन खोदना कितना है? कम, जरा सा, थोड़ा ज्यादा, बहुत ज्यादा या बहुत से भी ज्यादा? अरे वो देख, वहाँ रखी है अपनी पानी की बाल्टी। मैं जब तक वो बाल्टी लेकर आऊंगा तब तक तुझे खोदना है रे, समझा? समझ गया गुरु। अरे अरे रुक जा, अरे अरे बाल्टी बांगड़ू, अरे रुक जा रे तू। जब तक गुरु बाल्टी लेकर नहीं आते तब तक मैं खोदता रहूंगा। ओहो भोले, अरे तूने एक बीज के लिए कितना बड़ा गड्ढा खोद दिया है। अरे गुरु, आप ही ने तो कहा था जब तक ना आ जाऊं तब तक खोदते रहना, अब आप लेट आए, इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे प्यारे भोले, दुआ करता हूँ ऊपर वाला तेरे दिमाग के द्वार जल्दी खोले रे। अरे बांगड़ू वो देख, तेरे पैरों के पास क्या चमक रहा है। गुरु यहाँ तो पहले से ही किसी ने पौधे का बीज बोया है। अरे बांगड़ू वो बीज नहीं है रे। बांगड़ू, लगता है किसी ने इस नागमणि को यहाँ छुपाया था। ओ, इसका मतलब कोई नागमणि के साथ हाइड एंड सीक खेल रहा था गुरु। ये नागमणि बहुत ही खतरनाक चीज होती है, फेंक दे रहे इसे। ठीक है गुरु। अरे, अरे चंचल बुद्धि बोले, ये क्या किया तूने? मैंने तुझे ये नागमणि फेंकने को कहा था रे, सर पर चिपकाने को नहीं, निकाल इसे। गुरु ये नागमणि तो चिपक गई है, निकल ही नहीं रही है। रुक जा, मैं कोशिश करता हूँ। ये तो सचमुच निकल ही नहीं रही है। अरे पांगड़ू ये क्या कर रहा है रे? अरे अरे बांगड़ू, ये नाक की नहीं रे, अरे तेरी ही है पूछ। तू बन गया है रे आधा इंसान और आधा नाक। अरे वाह गुरु, अब मैं क्या बढ़िया नागिन डांस कर पाऊंगा। देखो मैं ज़िगज़ैग चल रहा हूँ। अरे बांगड़ू भोले, मुझे लगता है तेरे नाग बनने में इस नागमणि का ही कोई हाथ है। लेकिन नागमणि के हाथ तो नहीं होते हैं गुरु, तो उसका हाथ कैसे हो सकता है? अरे भोले, अब मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगा, हमें सुल्तान नगर के लोगों की मदद लेनी होगी रे। अरे आप लोग तो ऐसे डर रहे हो जैसे आप लोगों को सांप सूंघ गया हो। मैं जरा आज तक दुश्मनों के हमलों से भी इतना नहीं डरा है जितना भोले को देखकर डर रहा है।
टॉमी, दो चार कदम पीछे चल, लेफ्ट राइट लेफ्ट। ओहो, आप तो ऐसे डर रहे हो जैसे मैं पहली बार कोई जानवर बना हूँ। गधा उल्लू तो मैं पहले से ही था, आप लोग ही तो कहते थे मुझे गधा उल्लू, भूल गए? तब तो नहीं डरते थे आप लोग। मामा मिया, भोले के सर पर अटकी मेरी ग्रैंडपा की नागमणि ने इसे इच्छाधारी नाग बना दिया। इच्छाधारी नाग यानी? मामा मिया, भोले जो भी इच्छा मुँह से बोलती वो सच हो जाती। क्या क्या है? अलबत्ता, तुम्हारे दादाजी क्या नागमणि लेकर घूमते थे? मामा मिया, मेरे दादाजी खुद अजीबो गरीब होती, इसलिए उन्होंने ऐसा ही अजीबो गरीब सामान जमा करती। भोले, जो बोलना संभल कर बोलना, वरना तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। अच्छा, यानी अगर मैं बोलूं कि हमारे नीचे गड्ढा हो जाए तो हो जाएगा? अरे भोले, कोशिश कर कि तू अपना मुंह ही ना खोले रे। अगर हम भोले के सर से ये नागमणि निकाल दें, तो भोले वापस इंसान बन जाएगा। अरे, हम दोनों ने बहुत कर ली ताना तानी, फिर भी नहीं निकली भोले के सर से ये नागमणि। हम कोशिश कर ली, कराटे चॉप मार के इस मणि के टुकड़े कर ली। इस मणि को निकालना नामुमकिन होली। मैं निकालूंगा भोले के सिर से नागमणि। बिशुम बिशुम, भोले की पूछ न कर दी मेरी बत्ती सी की। बिशुम बिशुम, भोले से भी ज्यादा खतरनाक है क्या? वो देखो उसकी पूछ। भोले की पूछ ने पहुंचा दिया है मुझे, कहो ये देखो जमीन के अंदर। अरे बांगड़ू अलबत्ता, इस मणि को निकालने का रास्ता अब तू ही बता मामा मिया। मामा मिया, अभी याद आती, ये नागमणि तो चिपकू ग्लव से निकलती, जो अलबत्ता के मकान के सामान में मिलती। चल भोले चल अलबत्ता के मकान पर। हमें इनसे पहले पहुँच कर चुराने होंगे वो चिपकू ग्लव्स। उस चिपकू ग्लव से हुजूर का मुंह चिपका देंगे। बेवकूफ, हम उस चिपकू ग्लव से नागमणि लेंगे और फिर मैं बनूंगा इच्छाधारी नाग। लेकिन हम जल्दी कैसे पहुँचेंगे? कैसे कैसे कैसे? ऐसे। पहुंच गया अलबत्ता के घर में। गुरु, मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ। सामने अलबत्ता का मकान आ गया। ये घरों की दीवारों पर माथा फोड़ फोड़ कर परेशान हो गया हूँ मैं। काश इन घरों के हमारे जैसे पैर होते तो इन्हें एक्सक्यूज मी बोलकर हटा सकते थे। अरे बांगड़ू भोले, तेरी बोली हुई बात हो गई रे सच। वो देख, आ गए घरों के पैर। घर खुद अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं गुरु, ये तो खुशी की बात है। अरे भोले,
ये इंसान होते तो खुशी की बात होती रे, लेकिन घरों का पैरों पर खड़ा होना चिंता की बात है रे भोले, समझता क्यों नहीं? अरे अरे अरे, पापड़ तो गयो, घर भी गयो। मामा मिया, सबके घरों के साथ अलबत्ता का मकान भी निकल लिया। अरे बांगड़ुओं, रोकना होगा हमें अलबत्ता का मकान, क्योंकि उसी में है भोले से नागमणि निकालने का सामान। अरे रुक जा रे बांगड़ू मकान, कहाँ चल दिए तुम सब? अरे लोग अपने घरों को छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ तो हमारे घर ही हमें छोड़कर जा रहे हैं। अगर हमने अलबत्ता के मकान को नहीं रोका तो भोले कभी इंसान नहीं बन पाएगा। भिशुम भिशुम, घर का सामान कर रहा है मेरे डिशुम डिशुम। लेकिन एमजे चिपकू ग्लव्स निकाल कर ही रहेगा। मिल गए मुझे चिपकू ग्लव्स, अब नागमणि मेरी होगी। अब ये सब रुकेगा कैसे? मामा मिया, सिंपल होती, भोले बोले ये सब रुके तो सब रुक जाती। भोले, तुम अपने मुंह से कहो कि सब रुक जाए। ये सब रुक जाए और सब पहले जैसा हो जाए। चलो बांगड़ुओं, अलबत्ता के मकान में ढूंढते हैं चिपकू ग्लव्स। अरे ढूंढ लिया अलबत्ता का पूरा मकान, लेकिन मिला नहीं हमारे काम का सामान। पता नहीं वो चिपकू ग्लव्स कहाँ चले गए। मामा मिया, भोले धीरे धीरे पूरा नाग बनती। अगर ये मणि नहीं निकलती तो भोले को हम हमेशा के लिए खो देती। मामा मिया, क्या यानी भोले की जान को खतरा है? यानी मेरे गुरु को खतरा है? अरे बांगड़ू भोले, नागमणि है तेरे पास, खतरा मुझे कैसे हो सकता है रे? आप ही ने तो अभी कहा था मेरी जान को खतरा है, और मेरी जान तो आप ही हो ना गुरु। सही कहा रे तूने, तेरे बिना तेरा गुरु अधूरा है रे। मगर ये नागमणि भोले के शरीर से निकलेगी कैसे? मैं निकालूंगा भोले के सिर से वो नागमणि, क्योंकि मेरे पास है चिपकू ग्लव्स। छक्का छक। अच्छा ये बात है, ये ग्लव्स एमजे ने चुराए हैं, तभी अलबत्ता के मकान में हमें नहीं मिल पाए और मिलेंगे भी नहीं। ये चिपकू ग्लव्स एक बार किसी के हाथ में चिपकती तो वो कभी नहीं निकलती। यानी अब सिर्फ और सिर्फ एमजे ही भोले के सर से वो मणि निकाल ली। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होली। और एमजे नागमणि एक ही शर्त पर निकालेगा कि नागमणि निकालने के बाद उसका इस्तेमाल एमजे करेगा। एमजे ओ हुजूर, वो नागमणि है, साबुन नहीं जो आप इस्तेमाल करोगे। नहीं बांगड़ू, ऐसा कभी नहीं होगा। देखो ये लोग मुझसे कितना डरते हैं। बांगड़ू तेरे से नहीं, तेरे लिए डर रहे हैं। ये मणि बहुत खतरनाक है, तुझे हमेशा के लिए बना देगी नाग। एमजे को अभी लेफ्ट राइट करके निकाल लेने दो नागमणि, फिर हम उसे छीन लेंगे लेफ्ट राइट लेफ्ट करके। गुड आइडिया मेजर साहब। ठीक है एमजे, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। तो ठीक है, अभी निकाल देता हूँ वो नागमणि। ये खच्चा। अरे बांगड़ुओं,
ये भोले की पूंछ एमजे को निकालने नहीं देगी मणि। चलो हम सब मिलकर उसकी पूंछ पकड़ते हैं। अरे बांडू, पूंछ को तो हमने संभाल लिया है, लेकिन तू नाग मणि निकालेगा कैसे? मैं अपने चिपकू ग्लव्स वाले हाथों को भोले के माथे पर चिपकाऊंगा, जिससे नागमणि इन चिपकू ग्लव्स पर बचाक चिपक जाएगी और फिर उसे मैं खींच कर निकाल लूंगा। बांगड़ू एमजे, पक्का है तू निकाल लेगा ये नागमणि? ये तो मेरे लिए बहुत आसान है, जबकि मुझे मुश्किल काम करने में ज्यादा मजा आता है। अरे बांगड़ू, चल जल्दी से नागमणि निकाल ले रे तू। ये सब मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। अभी मौसम ठंडा करके इन सबको राहत दिलाता हूँ। मेरी इच्छा है कि आसमान से आइस के गोले बरसे। इतने छोटे छोटे स्नोफॉल से मौसम ठंडा होने में वक्त लगेगा। जल्दी मौसम ठंडा करने के लिए मैं चाहता हूँ बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े गिरें। अरे ये क्या, ये जरूर भोले की कोई ऊट पटांग इच्छा होगी। अरे भागो। अरे बांगड़ू भोले, रोक इस बर्फ की बारी को। तो क्या करूं गुरु, बर्फ को पिघलाने के लिए क्या आग के गोले बरसाऊं? अरे तू कुछ मत कर भोले, बस इसे रोक दे रे, रोक दे। मैं चाहता हूं कि बर्फ गिरना बंद हो जाए। अरे वाह, एमजे भी मेरी तरह रेंगते हुए आ रहा है। सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया है। सुन बांगड़ू एमजे, तू नागमणि निकालने की हालत में है? विषम विषम, अब नागमणि की एमजे कर देगा दिश्यम दिश्यम। अरे वारे मेरे भोले, मेरे जिगर के टुकड़े, तू तो एकदम ठीक हो गया रे। अरे वाह वाह। गुरु मैं तो ठीक हो गया, लेकिन देखो मेरी पूंछ अब तक नहीं गई। अरे ये बांगड़ू एमजे ने पहन ली नागमणि अपने सर पर और बन गया वो खतरनाक इच्छाधारी नाग। अरे अब ये क्या नई मुसीबत है? मुसीबत नहीं, हेडलाइट है ये लाइट जो एमजे के हेड पर है। मामा मिया, जब ये नागमणि कोई बुरा इंसान पहनती तो ये नागमणि उसे अमर फल पेड़ का रास्ता दिखाती। उस अमर फल पेड़ के सारे फल जो खाती वो अमर हो जाती। यानी मैं अमर फल खाकर हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। हम सब तुम्हें अमर होने से रोक ली। अभी इन्हें बताता हूँ कि हवा में उड़ना कितना खतरनाक होता है। मेरी इच्छा है कि इनके सरों पर पंखों वाली टोपी लग जाए, जिससे ये लोग हवा में उड़कर आपस में ही टकराए। वाह गुरु, मुझे तो उड़ने में मजा आ रहा है। सुन
दोनों बांगड़ुओं, हमें एमजे को वो अमर फल खाने से रोकना होगा। सही कहा, अगर उसने अमर फल खा लिया तो बेचारा अमर क्या खाएगा। अगर एमजे ने वो अमर फल खा लिया तो चारों ओर बुराई का राज होगा रे। चलो रोकते हैं उसे। ये रहे मुझे अमर बनाने वाले सात अमर फल। ये सातों फल को खाते ही मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। मुझे कोई मार नहीं पाएगा। बस ये आखिरी फल खा लूं, उसके बाद पूरी दुनिया पर राज करूंगा। अरे वो देख बांगड़ू भोले, वो रहा एमजे, और उसे आखिरी फल खाने से रोकना होगा। मैं अभी रोकता हूँ उसे। एमजे सुनो, रुक जाओ, वो अमर फल मत खाओ। तुम मुझे रोकने यहाँ तक पहुँच गए हो। पहले मैं ये फल खाऊंगा, उसके बाद तुम दोनों को टुचुक खिलाऊंगा। अरे ऐसे कैसे खा जाएगा बांगड़ू, खाएगा तो तू, हार का स्वाद हमारे नाचने गाने के बाद। क्यों? अरे तक दिन दितांग बाजे, गाए गुरु और भोले नाचे। बम मके बम 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 बम मके। हाँ दस 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 रहा है एमजे बना इच्छाधारी नाग। हाँ फल 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 ना खाए ये वरना होगा 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 बुराई का राज। हे होटल से तू पकड़ के रेल दे बना, वापस आए जो ये फिर दे भगा। अरे भगा, अरे भगा, अरे भोले दे भगा। होटल से तू पकड़ के रेल दे बना, वापस आए जो ये फिर दे भगा। दूर रख इसे फ्रूट से, कहीं ले ना जाए खा, कहीं ले ना जाए खा। दस 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 रहा है एमजे बना इच्छाधारी नाग। आ फल 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 ना खाए ये वरना होगा 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 बुराई का राज। है बम मके बम बम मके बम बम मके अरे मजा। बम मके बम बम मके बम बम मके बम मके बम मके बम बम मके बम बम मके अरे मजा मजा। ग्लव्स पहन के हाँ चिपकू चिपकू, मणि सर से उतार दे तू, ना मणि रहेगी ना नाग रहेगा, फिर जाके सुरताल नगर बचेगा। देखो गुरु भोले ने एमजे को फल खाने से रोक लिया। गुरु भोले ने खतरनाक नागमणि भी तोड़ दी, अब लेफ्ट से राइट से कहीं से भी खतरा नहीं है। बुराई के नागों में भी आ जाते हैं अच्छे अच्छे गुण, जब हमारी जोड़ी की बीन से सुनते हैं वो खतरनाक गुण।